उड़ा दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। मेरा सुम है आप सब लोगों को खुश आमदीद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा कल का भी व्लॉग नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत अपसेट थी। एक दिन का भी व्लॉग जो है बच्चों ने अकेले भी बना लिया था, और जो कल का भी व्लॉग है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बच्चे भी बिजी थे, तो हम भी व्लॉग अपडेट नहीं कर पाए, अपलोड नहीं कर पाए, बना नहीं पाए। तो आज का व्लॉग जो है हम इंशाल्लाह आपको दे रहे हैं। क्या हो रहा है दोस्तों? हमारी डक जो है माशाल्लाह से अंडों पर प्रॉपर बैठ चुकी है, क्योंकि ये रात को भी पहले उठ जाती थी ना, तो अब रात को नहीं उठती। ये देखें दोस्तों किस तरह से ना हमारी डक ने अपने अंडों की सेफ्टी के लिए घोंसला बनाया हुआ है, क्योंकि जब बारिश हुई थी ना तो इस घोंसले में थोड़ा सा उसके अंडों में पानी जा रहा था। अब उसने इस तरह से उसको कवर कर दिया है ना कि देखकर ही अक्ल मेरी दंग रह गई है कि उसने अपने अंडों की सेफ्टी के लिए इतना अच्छा काम किया है। अभी ये थोड़ी देर के लिए उठ कर गई थी ना, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है। बताओ मुझे हादी, बताओ हादी क्या कह रहे थे? बेला, बेला रानी, हादी क्या कह रहे थे जानू? किसके? उठो उठो, दिखाओ इनको, दिखाओ एहसान चिंकू को, उठाओ। आ चिंकू, आ चिंकू, इधर ले आओ इसको, इधर इधर ले आओ। दोस्तों ये देखें, हाँ माशाल्लाह से इसके पाँव भी ठीक हो गए हैं, कान भी ठीक हो गए हैं, इसका चुना चुना चा फेस भी ठीक हो गया है। मेरे चिंकू का फेस भी ठीक हो गया है, अब ना इसके कान भी ठीक। हाँ ये क्या क्या हुआ है? दोस्तों ये देखें चिंकू की ना, चिंकू तो पूरा ठीक हो चुका है अभी ना, इंकू की थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब है, और ये भी जो है ना ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ से टांग टूट जाएगी उसकी, इधर भेजो इसको, आजा चिंकू, आज आज झूले झूले खिलाओ चिंकू को, झूले खिलाओ चिंकू को, झूले खिलाओ, बस कर दो ले आओ उनको। शरारती है ये, शरारती है, नहीं करो ये मेरे ऊपर। मेरे ऊपर कौन आ गया है? मेरा चिंकू, वही छो ना मिला, मम्मा के ऊपर आ गया था मेरा चिंकू। हाँ भगोड़ा दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो मुर्गे है ना, इनको यहाँ पर बैठे हुए जो है आज चार तारीख है ना, चार दिन हो गए हैं। ये कौन अप्रैल से बैठी थी दोस्तों, माशाल्लाह से चार दिन इनके कंप्लीट हो चुके हैं। और जो है अगर ये अप्रैल अप्रैल दिसंबर बैठी हैं तो वो अप्रैल तो नहीं कर रही, अप्रैल फुल क्या कर रही है? अप्रैल फुल, अप्रैल फुल कर रही है। दोस्तों एहसान कहते हैं कि ना ये कम अप्रैल को बैठी है तो हमारे साथ अप्रैल फुल तो नहीं कर रही है, मुर्गिया अप्रैल फूल नहीं कह रही है, वो सच में अंडों पे बैठी हुई है, और प्यारे प्यारे बच्चे भी देंगी हमें इंशाल्लाह। नहीं देंगी, कैसे निकालेंगे? दोस्तों उनको तो चार पांच दिन हो गए हैं बैठे हुए, और हमारी जो डक है इसको ना, इसको हो गए 11 दिन बैठे हुए, और ये जो है ना मैडम उठने का नाम ही नहीं लेती है। उठ जाओ, दिखाओ तो सही अपने अंडे, ये काटती है ना अंडों को, हाथ नहीं लगाने देती। उठ जाओ, इतना प्यारा इसने घोंसला अपना सेट कर लिया है ना, सुकून से ये बैठी रहती है सारा दिन इधर। दोस्तों इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद ना हम इनके एग कैंडिंग भी करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए ना कि इनके जो अंडे हैं वो ठीक हैं भी, बच्चे बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मुर्गियों के तो 10 दिन के बाद करेंगे, और जो डक है इसके ना कुछ दिन के बाद ही हम लोग ना एग कैंडिंग कर लेंगे। और इसके अलावा दोस्तों मैंने ना आपको दो गुड न्यूज़ और भी देनी थी, मुझे नहीं पता था लेकिन हादी ने मुझे बताया कि ना वहाँ ऊपर उस जगह पर ना एक डव है जिसने घोंसला बनाया हुआ है, इंशाल्लाह वो अंडे भी देगी, बच्चे भी देगी, और जो बच्चे देगी ना हमने उठा लेने हैं,
एक घोंसला वहां पर है और एक घोंसला दोस्तों यहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पर बिल्कुल खजूर के ऊपर ना ये घोंसला है, और एक घोंसला जो है ना वहाँ ऊपर उस साइड पे है वहाँ। दोस्तों हमने ना पेट मार्केट जाना था, पेट मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला, एक तो रमजान शरीफ की वजह से दूसरा दोस्तों एक तो रमजान शरीफ की वजह से दोस्तों हम लोग पेट मार्केट नहीं जा रहे हैं। बार बार बच्चे भी जिद कर रहे थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम शुरू हो जाता है। दूसरा उस दिन से मेरी तबीयत भी खराब थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहे थे कि आ रहा है कि हम अपनी पेट फैमिली में कौन से नए पेट्स ऐड करें। बच्चे और मैं क्या हादी कहते कि हमने मंकी लेना है, हादी को गिरा दिया। दोस्तों हादी कह रहा है कि हमने मंकी लेना है, एहसान कह रहा है कि हमने व्हाइट वाली डक लेनी है ना बड़े वाली। मम्मा अभी चल सकते हैं ना पेट मार्केट, अफ्तारी का टाइम शुरू हो जा। डरा दिया मुझे भी बदतमीज, वो अफ्तारी का टाइम हो रहा ना, ईद के बाद ही लेंगे। लेकिन ना अभी मैं पूछ रही हूँ जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स है ना, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि ना हम अभी कौन सा पेट्स जो है अपने फैमिली पेट में ऐड करें। कुछ नहीं कहती है दोस्तों, आप लोगों ने ना लास्ट भी हमारे कमेंट में हमें ना बताना है कि हम अपनी पेट फैमिली में कौन सा जो है न्यू पेट फैमिली मेंबर ऐड करें, क्योंकि हादी कह रहा है कि हमने डक बंदा लेना है, और एहसान कह रहा है कि ना हमने डक्स लेनी है व्हाइट वाली जो बड़े वाली होती है वो वाली, और मेरा जो दिल करता है वो दिल करता है कि हम लोग मोर ले ऐड करें ना अपने। अब आपने इन तीनों में से लास्ट में हमें बताना है कमेंट में। हादी क्यों तंग किया हुआ है यार, यार मेरी बेला को, मेरी बेला को नहीं तंग करो। तो दोस्तों आपने लास्ट में कमेंट में बताना है कि हम मंकी लें, बंदा लें, या फिर व्हाइट वाली डक लें। तो जो लोग भी जो कुछ भी आप लोग कहेंगे ना, वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद या इससे पहले पहले ना लाजमी अपनी पेट फैमिली में ऐड कर लेंगे। तो कहाँ इधर आओ मेरे पास आओ, वो देखे हादी। दोस्तों ये ना मजाक कर रही है हादी के साथ, उसको डरा रही है, मारती नहीं है, डराती है, हालांकि ये मुझे कुछ भी नहीं कहती। वो हादी के साथ मजाक कर रही है बेला एहसान बेला। दोस्तों माशाल्लाह से हमारी साइड पे ना मौसम आज काफी अच्छा रहा है, बादल रहे हैं, हल्के हल्के बादल बने रहे हैं। क्या हो गया, पकड़ो उसको नीचे से पकड़ो, ये लो। मैं बटेरों को उड़ाता हूँ। बटेरों को उड़ाते क्यों, क्यों उड़ाते हो तुम, सारे दिन नुकसान करते रहोगे, कभी गोनो मोनो को जिब्बा कर लेते हो, कभी बटेर उड़ाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, क्यों उड़ा रहे हो, वजह तो बताओ मुझे। हाथी वजह बताओ पहले मुझे, भाई डरता। दोस्तों अब इसका काम चेक करें, कहते मैंने बटेर को उड़ा देना क्योंकि ऐसा नहीं से डरते है। वैसे तुम्हें बड़ा ख्याल है भाई का, वो नहीं जाते कहीं। वो देखो घर आ जाते हैं वापिस, वो नहीं जाते कहीं भी। हादी नहीं उड़ाओ जानू, खड़े रहने दो इनको। नहीं उड़ते, कह तो रही हूँ तुमसे मैं, हादी ये नहीं उड़ते, छोड़ दो इनके हाल पे इनको। वो देखो वापिस आ जाता है, उड़ा दिया। कहाँ उड़ गया, ऊपर बैठा हुआ, बिल्ली खा जाएगी उसको, वो उड़ता नहीं है जब जानू, वो उड़ नहीं सकता, बिल्ली खा जाएगी बेचारे को ऊपर। दूसरा ये है भाई के पास, देखो भाई का डरा रहे थे ना, गिर गया, सजा मिल गई है तुम्हें है ना, जाओ देख करो उसको, बिल्ली खा जाएगी या चील ले जाएगी। देखो चील भी आई हुई है, वो ले जाएगी उसको, वो देखो चील आई हुई है, हादी ले जाएगी उसको। ये देखें दोस्तों चील भी आई हुई है, ले ना जाए बटेर को, हादी जाओ ले आओ जानू, देखो उसे बिल्ली या चील वगैरह कोई ले जाएगी, बेचारे उड़ तो नहीं सकते हैं, मुझे दो इसे। ये देखो दोस्तों कितना अच्छी है, प्यारे से हैं, पता नहीं क्यों बच्चे इनसे इनको इनसे परेशान होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ये बटेर, शोने से हैं,
छोले से हैं प्यारे से। गुस्सा हो रहा है बटेर पे, ना मेरा भाई गिरता था। बटेर लेने जाओगे ऊपर? बस सुनो भाई की कहते, बटेर लेने जाऊंगा ऊपर 200। इसलिए ना हादी के है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है बटेर पे, कहना मेरा भाई से डरता है, वो केज के अंदर भी नहीं जाता है और बाहर भी इनसे डरता है, रोता है। तो आज हम इनको उड़ा देते हैं, लेकिन ये है कि उसको जा ही नहीं रहे, हमारा घर छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं। मैं पकड़ती हूँ, अब जाओ। अभी दोस्तों इसके करतब चेक करेंगे, ऊपर जा रहे हैं बटेर चेक करने के लिए। ख्याल से जाओ, ख्याल से। जी जानू, एक मिनट भाई आ जाए ना, दोनों एक साथ बंद कर देंगे, ये भी दूसरा भी भाई तो आ जाए। जाओ हादी, जाओ। तो ये आ गया, चलो भी तुम दोनों जाओ अब खेलो, वरना हादी ने उड़ा देना तुम दोनों को। दोस्तों हमारी ये वाली जो है ना बेचारी बजीज जो है बीमार हुई बैठी है, इसकी टांग देखें कैसे ना बेचारी की, वो लंगड़ा रही है ना, इसे नीचे नहीं रख सकती पाऊँ। हादी ने कुछ दिन पहले इसकी मालिश भी की है टांग पे। कहाँ है ये देखें, ओए ओए कितना मुश्किल से बेचारी ऊपर चढ़ती है, उसकी टांग चेक करें दोस्तों। ये देखें वो वाली टांग से ना पकड़ भी नहीं सकती है, वो एक ही टांग से और मुंह से पकड़ कर वो नेट पे चढ़ती रहती है। अल्लाह पता नहीं क्या हुआ इसकी टांग को। दोस्तों बताएं कि ना बटेर कोई ऐसी चीज है जिसे डर आ जाए ना, वो बेचारा काटता है ना, वो बेचारा कुछ कहता है, ये खाम खाम इतना डरता है ना उसे कि ये रोना शुरू हो जाता है, उससे बाहर निकालते हैं या फिर कुछ भी।